हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नॉकर। तो आज के वीडियो में हम सिलोलॉजिज्म के कुछ केसेस देखेंगे, कुछ सम सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ मैं आपको एदर ऑर का जो सिलोलॉजिज्म का केस है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं देखो यहाँ पे कुछ पेयर्स लिखे हैं वर्ड्स के, सम सम नॉट, नो सम सम नॉट ऑल। तो एदर ऑर में वही है, आपका जो कंक्लूजन होगा उसमें ऐसे आएगा सम नॉट। तो ये सम नॉट, नो सम, सम नॉट ऑल, ये अगर पेयर्स में आते हैं आपके कंक्लूजन में, तो आपका जो आंसर है वो इधर और का चांसेस हो सकता है उसमें। तो पहले आपको चेक क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट में ये आ रहे हैं वो आपका कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, और ये तीन पेयर है उसमें से एक पेयर तो आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो इधर और का केस हो सकता है। तो इसको करना कैसे मैं आपके सम सॉल्व करते करते समझा ही दूंगा। चलिए पहला सम स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टेटमेंट्स कंक्लूजन। तो पहले स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑल लेटर्स आर वर्ल्ड, और लेटर्स नेक्स्ट सम वर्ड्स आर क्यूब, सम वर्ड्स आर क्यूब एंड सम क्यूब्स आर क्यूबाइट। क्यूबाइट के लिए सी यू लिखता हूँ, सम क्यूब्स आर क्यूबाइट। तो देखिए स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम हो गया, अभी कंक्लूजन चेक करना है। सम क्यूबाइट्स आर वर्ड्स, वर्ड्स यहाँ पे है, क्यूबाइट्स है यहाँ पे, ये फॉल्स हो गया। सम क्यूब्स आर लेटर, सम क्यूब्स आर लेटर, क्यूब्स सर इसमें कोई डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ऑल लेटर्स आर क्यूबाइट, ऑल लेटर्स क्यूबाइट, डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, सम लेटर्स आर नॉट क्यूबॉइड, इसको चेक कैसे करना है, जिसका कंडीशन यही है। ऐसा जब भी स्टेटमेंट आएगा तो आपको चेक क्या करना है उसमें, ऑल लेटर्स आर क्यूबॉइड, ये लिखा है यहाँ पे क्या, सम लेटर्स आर नॉट क्यूबॉइड लिखा है ना, तो चेक करो पहला उसमें ऑल लेटर्स आर क्यूबॉइड है क्या। तो ये लेटर्स है, ये ऑल लेटर्स क्यूबॉइड बन सकता है क्या, ऑब्वियसली बन सकता है। इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा ऐसा, तो ऑल लेटर्स क्यूबॉइड बन सकते हैं ना, तो क्यूबॉइड बन सकते हैं, मतलब ये सम वाला केस रॉन्ग हो जाएगा। तो समझे ना, सम नॉट वाला चेक कैसे करना है, अगर आपका ऑल वाला ट्रू हो गया तो सम नॉट वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है। फिर से एक बार बताता हूँ, सम लेटर्स आर नॉट क्यूबॉइड जब भी आपके कंक्लूजन में आएगा तो उसको चेक कैसे करना है, ऑल लेटर्स आर क्यूबॉइड ये फॉलो हो रहा है क्या चेक कर रहे हैं, अगर वो फॉलो हो गया मतलब ये फॉल्स आ गया, अगर नहीं होगा फॉलो तो ये ट्रू आ जाएगा। तो ये फॉलो हो रहा है, ऑल लेटर्स कैन बी क्यूबॉइड, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके तो अगर हमारा आंसर देखिए, अभी नन फॉलोस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इधर और है, तो इधर के लिए चेक करते हैं। इधर और के लिए और क्या कंडीशन था, मैंने पहले बोला सब दोनों फॉल्स होने चाहिए, दोनों सब फॉल्स है, और ये पैरामीटर आना चाहिए। देखो सम नॉट है, तो अभी लेटर और क्यूबॉइड को ढूंढिए कहाँ पे, तो देखिए ऑल सम नॉट, ये देखो ऑल भी आ गया, सम नॉट भी आ गया, और एक कंडीशन रहता है आपका जो ये पैरामीटर्स आते हैं वो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन होने चाहिए। देखिए यहाँ पे भी लेटर्स है, यहाँ पे भी लेटर्स है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, मतलब ये दोनों इधर और का केस है। देखिए आंसर में है, तो ये हमारा आंसर है, समझे इधर और का कैसे करना है। फिर से एक बार बताता हूँ, पहले चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स होने चाहिए, उसके बाद ये तीनों पेयर में से एक पेयर दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में आना चाहिए, और उसके बाद ये जो दो पैरामीटर है वो कॉमन होने चाहिए, ये अगर कॉमन है तभी आपका केस इधर और का हो सकता है। ओके तो चलिए और एक सम है उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका एक आधा क्वेश्चन दूसरे पेज पे है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसा रख देता हूँ। ओके तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन है। तो पहले स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, नो आइज आर ईयर, ये आइज हो गए, नो आइज आर ईयर्स, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ऑल ईयर्स आर ड्रम, ऑल ईयर्स आर ड्रम, तो ये ड्रम है ना, तो इसको ड्रम ऐसा ड्रॉ करता हूँ। और ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल ड्रम्स आर साउंड, ऑल ड्रम्स आर साउंड। ओके स्टेटमेंट्स हो गए, अभी कंक्लूजन को चेक करना है। ऑल आइज आर साउंड, ऑल आइज आर साउंड रॉन्ग, ओवरलैपिंग नहीं है मतलब रॉन्ग। सम ड्रम्स आर नॉट आई, देखिए सम नॉट वाला वापस आ गया, सम ड्रम्स आर नॉट आई, तो मैंने क्या बोला था, ऑल ड्रम्स आर आइज है क्या चेक करो पहला। तो ये क्या था, नो आइज आर ईयर्स और आई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो चेक क्या करना है, ऑल ड्रम्स आर आइज हो सकते हैं क्या, तो ऑल ड्रम्स, ड्रम्स यहाँ पे, आइज यहाँ पे, तो ऑल ड्रम्स आर आइज, एक मिनट, एक मिनट देखिए, फिर
सम ड्रम्स आर नॉट, है ना, ऑल ड्रम्स आइज होने चाहिए, ये पहले चेक करेंगे। तो ऑल ड्रम्स आर आइज, आइज को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा ऑल ड्रम्स आर आइज, तो मैं अगर इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा आइज को, तो ईयर से भी कोलेप्स हो सकता है ना, तो ये ऑल ड्रम्स आर आइज वाला फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा ट्रू आ गया। ओके, नेक्स्ट सम्स आइज आर नॉट साउंड, तभी चेक क्या करना है, ऑल आइज साउंड हो सकते हैं क्या, तो आइज यहाँ पे साउंड, यहाँ पे आइज को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, देखिए ऑल आइज साउंड हो रहे हैं, है ना, तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, सम नॉट का जब केस आता है तब ऑल ऑल वाला के चेक करो, वो ट्रू हो गया तो सम वाला फॉल्स हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए सम ड्रम्स आर साउंड, सम ड्रम्स यहाँ पे साउंड, सम ड्रम्स आर साउंड है ना, सम ड्रम्स वाला साउंड है, तो ये ट्रू है। देखिए ये हमारा, तो मैं अभी ये हमारा आंसर हो गया, तो हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए टू और फोर फॉलोज है, टू और फोर फॉलो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थ्री रॉन्ग है, ये नहीं आएगा, इधर और वन थ्री में इधर और ना, तो देखिए वन और थ्री ऑल सम नॉट, आई साउंड मतलब ये इधर और का केस है, मतलब आंसर हमारा ये हो गया, टू और फोर फॉलोज, वन एंड थ्री इज अ केस ऑफ इधर एयर केस, समझ गया। दोनों सम्स मैंने आपको इधर और का समझा दिया है, तो अभी ये थर्ड से क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, सम पिलोज आर कवर, सम पिलोज आर कवर, कवर नो कवर्स आर शीट, नो कवर्स आर शीट, नेक्स्ट नो शीट्स आर बेड, नो शीट्स आर बेड, तो देखिए यह ड्रॉ हो गया। अभी कंक्लूजन चेक करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ सम नॉट वाला, देखिए नो यहाँ पे है, सम नॉट यहाँ पे है, मतलब ये सम नॉट का केस हो सकता है। ओके, तो हमें ऑप्शन में बाद में चेक करना पड़ेगा। ओके, तो पहले ये चेक करते हैं कि हमारा कंक्लूजन में, कंक्लूजन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग फॉलो रहे क्या, नो कवर्स आर बेड, ये कवर्स है, ये बेड्स है, नो कवर्स आर बेड, तो देखिए बेड को मैं अगर ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो इसको टच हो सकता है ना, क्योंकि इसमें इसमें तो रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सी और एस में नहीं दिया, मतलब कवर्स और शीट में नहीं दिया, तो ये फॉल्स हो गया, कवर्स कैन बी बेड, तो नो कवर्स आर बेड, ये फॉल्स हो गया। सम पिलोज आर नॉट शीट, मैंने क्या बोला था सम वाला किस्सा था, तो क्या चेक करना है, ऑल पिलोज शीट से क्या, देखो पिलो यहाँ पे, शीट से यहाँ पे, देखो मैं शीट्स को अगर ऐसा लिखूंगा यहाँ पे तो कवर से टच हो जाएगा, मतलब लेकिन कवर और शीट में तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये जो ऑल वाला केस है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये सम पिलोज आर नॉट शीट से ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट सम शीट्स आर नॉट पिलो, वापस से आ गया, तो मैंने क्या बोला था सम वाला था, तो क्या चेक करना है, ऑल शीट्स पिलो है क्या, देखो पहला शीट्स यहाँ पे, ऑल शीट्स पिलो है क्या, तो शीट्स को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो देखो ऑल शीट्स पिलो बन जाएंगे, इसको टच भी नहीं होगा, इसको भी टच नहीं होगा, मतलब इट ऑल शीट्स आर पिलो ही ट्रू हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। और एक चौथा केस है जो अगले वाले पेज पे, इसको मैं ये फोर्थ वाला केस यहाँ पे देखो, सम पिलोज आर नॉट बेड, तो ये पिलोज है, मैं चेक क्या करूँगा इसमें, ऑल पिलोज बेड है क्या, देखो पिलो यहाँ पे है, बेड ऑल पिलोज बेड हो सकते हैं क्या, तो देखो बेड यहाँ पे, ऑल पिलोज, पिलोज के मैं इसके अंदर डालूंगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, ऑल पिलोज बेड हो जाएगा, और सी का रिलेशन बन गया, तो भी सी के साथ रिलेशन बन गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये जो दिया हुआ केस है ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल वाला फॉलो हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार देखो, ऑल पिलोज बेड, पिलो को इसके अंदर डालूंगा, सी थोड़ा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो पिलो इसके अंदर आ जाएगा, सी को इसको टच, सी इसको टच हो जाएगा, लेकिन बी और सी में रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये ऑल वाला फॉलो हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए हमें मिला क्या है, सेकेंड ट्रू मिला है, तो देखिए सेकेंड ट्रू वाला, और कहीं पे इधर और बन रहा है क्या, कवर बेड शीट पिलो, पिलो शीट्स, लेकिन ये ट्रू, एक ट्रू आ गया तो इसमें नहीं बनेगा, पिलो बेड, पिलो बेड, पिलो बेड समनो, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो पैरामीटर अलग है, कवर है यहाँ पे, पिलो है, मतलब इधर का बनेगा नहीं, खाली टू सेकेंड वाला ट्रू है, तो ये ट्रू आ जाएगा। ओके, तो अभी फोर्थ स्टेटमेंट, तो ये है फोर्थ स्टेटमेंट, इसमें देखिए नो ब्लैक सर ग्रीन, नो ब्लैक सर ग्रीन, ऑल येलोज आर रेड एंड सम रेड्स आर नॉट ब्लैक, तो देखिए ब्लैक को इसको टच करना ही पड़ेगा, तो रेड ऐसे आ जाएगा, ऑल सम रेड्स आर नॉट ब्लैक, तो ये रेड हो गया, ऑल येलोज आर रेड, तो
तो येल्लो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखो, ऑल येल्लोज आर रेड, ऑल येल्लोज आर रेड, सम रेड्स आर नॉट ब्लैक, सम रेड्स आर नॉट ब्लैक, मतलब सम तो ब्लैक होंगे ना। हाँ, तो ये आ गया हमारा वेन डायग्राम। तो ये देखिए, अभी कंक्लूजन चेक करने, सम नॉट वाला भी है इसमें, देखो सम नॉट वाला भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सम येल्लोज आर नॉट ब्लैक, चेक क्या करना है, ऑल येल्लोज ब्लैक है क्या चेक करो, ऑल येल्लोज ब्लैक हो सकता है क्या। तो देखो, अगर मैं ये वाला जो गैप है उसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो येलो उसमें आ जाएगा ना, तो ऑल येलोज कैन बी ब्लैक, राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, सम नॉट वाले केस में हमेशा ऑल वाला चेक करो। हाँ, तो सेकेंड देखिए, सम ग्रीन्स आर नॉट ब्लैक, मतलब हमें चेक क्या करना है, ऑल ग्रीन्स ब्लैक है क्या चेक करना है, लेकिन ग्रीन्स और ब्लैक में तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता, मतलब ऑल वाला फॉल्स हो जाएगा, सम नॉट वाला ट्रू हो जाएगा। थर्ड है, सम ब्लैक्स आर नॉट येल्लोज, तो फिर से बोलता हूँ, चेक क्या करना है हमें, ऑल ब्लैक्स येल्लो है क्या चेक करो, ऑल ब्लैक येल्लो है क्या चेक करो। तो देखो, ये येल्लो को मैं ऐसे अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऑल ब्लैक येल्लो के अंदर आ जाएंगे ना। देखो, येल्लो को मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा इसके आगे ऐसा, तो ऑल ब्लैक्स येल्लो बन जाएंगे, मतलब ऑल वाला ट्रू हो जाएगा, मतलब सम वाला फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स। देखिए, अभी कोई इधर और का बन रहा है क्या, ऑप्शन में इधर और नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, येल्लो ब्लैक, येल्लो ब्लैक, येल्लो ब्लैक, तो ये सम नॉट है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, सम नॉट वाले जो पैरामीटर है हमारे, सम नॉट, तो सम नॉट का केस नहीं आता है, सम और सम नॉट होता तो एक बार हो जाता। तो यहाँ पे है क्या, ब्लैक येल्लो है, लेकिन सम नॉट है, तो ये पैरामीटर आता नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये भी इधर और में नहीं आएगा। तो आंसर ये क्या हमारा, ओनली टू फॉलोज। ओके, तो देखिए, ये वीडियो में मैंने आपको इधर और का केस एक्सप्लेन कर दिया, उसके साथ चार पांच सम भी ले लिए। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।